हाँ तो नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है हमारे सामने निकल के आ रही है। दोस्तों जिन भी किसान भाइयों को अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है तो उन किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग अब 14 करोड़ किसानों को मिलेंगे 6,000 रुपये। दोस्तों काफ़ी जो किसान है उनको इस योजना का लाभ मिल चुका है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। आप देख सकते हैं लगभग कहने का मतलब 50% जो है किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग चुकी थी और किसानों की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी उसके ऊपर रोक लगा दी थी। यानी कि अब जो बाकी के बचे हुए 50% जो लोग हैं उन सभी किसान भाइयों को लगभग 14 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो मिलने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। दोस्तों नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और इस लिस्ट के अंतर्गत आप जो है अपना किस तरीके से नाम देख पाएंगे, आप यहाँ पे लिस्ट की इमेज देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी लिस्ट सूची जो है आपको दिखाई देगी, उसके अंतर्गत आप कैसे अपना नाम फाइंड कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सूची कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, कैसे उसमें अपना नाम आपको देखना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जिन भाई बहनों ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन नहीं किया है, किसी कारण से लेट हो चुका है, तो दोस्तों इसके आवेदन जो है फिर से चालू हो गए हैं, फिर से इसके फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मोदी सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ 2014 के बाद 2019 में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है और दोस्तों ये मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है जिसके तहत किसानों को डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से 6,000 रुपये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत ही अच्छी योजना जो है किसान कर्ज माफी के विपरीत में इस योजना को उतारा गया था। तो दोस्तों ये योजना जो है अब पूरी 5 साल जो है मोदी सरकार देने वाली है, जिन भी किसानों को लाभ नहीं मिला है इसके अंतर्गत बहुत ही बड़ी घोषणा की है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक किसान यानी कि 100% किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों जिन भाई बहनों ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है फिल नहीं किया है तो वो अभी इस फॉर्म को फिल करें, अपने किसी भी नज़दीकी ई मित्र की दुकान के ऊपर जाके ये फॉर्म जो है आप फिल करवा सकते हैं, भरवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कहां से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो लिस्ट है, जो नई लिस्ट जारी की गई है, वो आपको कहां से डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों मैं आपको शुरू से बता देता हूं, इस तरीके से आपको किसी भी क्रोम ब्राउजर के अंतर्गत गूगल का न्यू पेज ओपन करना है और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो मेन साइट है pmkisan.gov.in, मैं आपको यहाँ पर डाल के बता देता हूँ, आपको टाइप करना है pmkisan.gov.in। दोस्तों पीएम किसान बिना स्पेस के साथ देख सकते हैं आप पीएम किसान और उसके बाद आपको लिखना है .gov.in, आपको ये साइट टाइप करनी है। दोस्तों इस साइट का जो लिंक है मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से भी सीधे आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मेन साइट के ऊपर आप आ सकते हैं। जैसे आप इस साइट के ऊपर आओगे तो आपके सामने इस तरीके से ये जो साइट है ये ओपन होगी, कुछ इस तरीके से आपका इसको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है सभी किसान भाइयों को लाभ जो है मिलने वाला है, 6,000 रुपये की राशि सभी किसान भाइयों को फ्री में मिलने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर जो ग्रीन पट्टी है इसके अंतर्गत आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबसे पहले होम, उसके बाद अबाउट द स्कीम, उसके बाद रिपोर्ट्स, गाइडलाइंस, लेटर, सर्कुलर, FAQ, LG डिक्शनरी, कॉन्टैक्ट, लॉगिन और FTO लॉगिन। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है लेकिन आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको लिस्ट डाउनलोड करना है, कैसे आप उसमें अपना नाम देख पाएंगे, कैसे आपको अपने गाँव का नाम, तहसील का नाम, राज्य का नाम कैसे आपको देखना है। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा LG डिक्शनरी के नाम से, कॉन्टैक्ट के आगे, तो दोस्तों आपको इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप LG डिक्शनरी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके से LG डिक्शनरी का नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं LG डिक्शनरी के नाम से जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होता है तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, रूरल और अर्बन। तो दोस्तों रूरल का मतलब आप सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो भी लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी और अर्बन का मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में अगर आप निवास करते हैं तो आप अर्बन के ऊपर क्लिक करें और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो दोस्तों आपको रूरल के ऊपर क्लिक करना है।
तो जैसे मैं आपको रूरल का बता देता हूँ एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे रूरल के ऊपर सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ब्लू कलर के अंतर्गत व्हाइट पट्टी में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा गेट डाटा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डाटा के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी आप यहाँ पे स्टेट हैं सारे स्टेटों के नाम जो है आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टेटों के नाम आपके सामने देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन व दादर नगर हवेली, दिल्ली, दमन, दाऊ। अगर दोस्तों 1 से 10 तक आपके सामने नाम सो रहे हैं, अगर यहाँ पे आपका नाम नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे दूसरा पेज ओपन कर सकते हैं, तीसरा, चौथा, यानी कि काफ़ी पेज आपके सामने सो रहे हैं। तो दोस्तों मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान का आपको बता देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग राजस्थान का नाम जो है तीसरे पेज के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। तो मैंने तीसरा पेज ओपन कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 यानी कि 29 नंबर के ऊपर राजस्थान का नाम है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको अपने स्टेट के सामने जो नाम दिखाई दे रहा है उस नाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैं राजस्थान का आपको बता देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे राजस्थान के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने राजस्थान के ऊपर क्लिक किया तो अब राजस्थान के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, छत्तीसगढ़, यानी कि सारे जितने भी स्टेट हैं सारे सो रहे हैं। यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्टों के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपका गांव का नाम यहाँ पे नहीं मिले, आपके ज़िले का नाम सॉरी, तो दोस्तों आप यहाँ पे दूसरा, तीसरा, जो 4 पेज के अंतर्गत जो ये फाइल है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अलवर का आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर 2nd नंबर पर अलवर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं अलवर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब अलवर ज़िले के अंतर्गत जितनी भी तहसीलें हैं जितने भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉकों के नाम जो है आप यहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अलवर ज़िले की जितनी भी तहसीलें आप देख सकते हैं, अलवर, बांसुर, बहरोड, गोविंदगढ़, कठुमर, कोट कासिम, लक्ष्मणगढ़, सारे जितने भी यहां पे तहसीलें हैं सारी तहसीलों के नाम यहां पे सो रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे 10 तहसीलों के नाम दिखा रहा है, उसके बाद अगर यहाँ पर आपकी तहसील का नाम ना मिले तो आप दूसरा पेज जो है ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा पेज ओपन कर लूँ तो दूसरे पेज के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने नाम हमारे सामने ओपन होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं दूसरे पेज के अंतर्गत 17 यहाँ पे 17 जो है तहसीलें यहाँ पे बताई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे एक तहसील के अंतर्गत जाके, तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो मैं आपको बांसुर तहसील का यहाँ पर बता देता हूँ। 2nd नंबर पर आप देख सकते हैं बांसुर और कोष्टक में 50 लिख रखा है। तो दोस्तों ये जो 500 लिख रखा है, ये जो 500 है ये इस तहसील के अंतर्गत जो ज़िले हैं उन ज़िलों की संख्या यहाँ पे छोरी जो गांव है गांवों की संख्या यहाँ पे लिख रखी है। तो तहसील के अंतर्गत 500 गांव है, जितने भी कोष्टक के अंतर्गत मैथ के डिजिट लिख रखे हैं आपकी तहसील के आगे तो उतने गाँव जो है आपके इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे गाँव या ढाणी जो सभी है उनको मिला के। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने आपके तहसील के जितने भी गांव हैं सभी गांवों के नाम आपके सामने से होंगे। आप यहां पे देख सकते हैं विलेज नेम, तो यहां पे बांसुर तहसील का मैंने बताया था, तो बांसुर तहसील के जितने भी गांव हैं सारे हमारे सामने आ चुके हैं। आप देख सकते हैं आलमपुर, आलमपुर यहां पे देख सकते हैं, बबेरिया, बटेरी, तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी जो नाम है यहाँ पर देख सकते हैं, बालावास, बैराम का बास, बलबा का बास, दोस्तों काफ़ी अजीब अजीब नाम है देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे 10 पेज के अंतर्गत आपको न मिले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पेज है इसके यहाँ पे, क्योंकि 500 जो गांव या जो ढाणी है उनके नाम काफ़ी ज़्यादा हो गए चुके हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने पेज हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो 10 पेज तो हमारे सामने शो हो रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर पेज जो है आगे बताई जा रहे हैं हमें। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है एक एक पेज को ओपन करके देख सकते हैं कि किस पेज के अंतर्गत आपके गाँव का नाम या ढाणी का नाम जो है, गांव के छोटे गांव को देसी भाषा में बोलते हैं ढाणी, जो छोटा कस्बा होता है गांव से। तो दोस्तों यहां पे लगभग 18 पेज है, तो 18 पेज के अंतर्गत आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पे जो आप देख सकते हैं आपके गांव के सामने जितने भी मैथ के डिजिट लिख रखे हैं, मैथ के अक्षर लिख रखे हैं, वो किसानों की संख्या लिख रखी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने किसानों ने इस गाँव से आवेदन किया है। तो दोस्तों आप यहां पे आवेदन संख्या के आधार पे देख सकते हैं कि इस गांव से कितने किसानों ने आवेदन किया है। तो जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो यहां पे कुंडली आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे लाडपुर देख सकते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हैं 72,915 दिखा रहा है लाडपुर के आगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 72,915 किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है। इतने किसानों के फॉर्म जो है एक्सेप्ट किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो लिस्ट है उसमें अपने गाँव के अंतर्गत कितने किसानों को लाभ जो है मिलने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी दोस्तों गाँव के किसानों का जो आंकड़ा है, किसानों के नेम वाइज जो आंकड़ा है वो अभी अपडेट नहीं किया है। जैसे ही अपडेट करते हैं मैं हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी लेके आऊँगा, वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि कैसे जो गांव का नाम आपका किसान भाइयों का नाम जो है डाल दिया गया है, आप कैसे नाम जो है अपना अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये करना है कि इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब दिखा रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे ही कोई भी जानकारी आए वो सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी मैं आपको पहुंचा पाऊं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो है इस योजना का लाभ ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।